आप गाइस को यार आप सभी लोग जानते हो गेम में एनिवर्सरी इवेंट आ गया है। मैजिक क्यू में एक बार को अपडेट भी आ गया है कुछ न्यू बंडल से ऐड करा के, लेकिन यार उसको एक्सचेंज करने के लिए हमें चाहिए मैजिक क्यूब जो कि अपने पास नहीं है। सही कह रहे हो सर आप। अब भैया देखा जाए तो फ्री मैजिक क्यूब सभी को चाहिए, क्योंकि अगर फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा तो ही हम बंडल्स वगैरह एक्सचेंज कर पाएंगे मैजिक क्यूब से। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एनिवर्सरी स्पेशल फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। उसका कंफर्म डेट क्या है, किस दिन आपको फ्री में मैजिक क्यूब दिया जाएगा। वैसे हाँ, फ्री में तुमको एक मैजिक क्यूब मिलेगा या दो मैजिक क्यूब, ये भी आज आपको बताऊंगा। इसी के साथ बात कर लिया जाएगा। देखो ऐसा है, 4 तारीख को और 5 तारीख को तुमको दो अलग अलग फेडरल इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 4 तारीख को कौन सा वाला फेडरल इवेंट आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर एनिमेशन होगा या फिर इसका विंग, एंड 5 तारीख को कौन सा वाला आने वाले है दोनों बताऊंगा। देन बात कर लेंगे एक नया रिंग इवेंट के बारे में, जहां पर आपको एनिवर्सरी स्पेशल एक न्यू लेजेंडरी बंडल देखने को मिलेंगे एंड उसके थीम पे कुछ और भी रिवॉर्ड्स को दिया जाएगा। न्यू सीएस रैंक का जो सीजन आपको देखने को मिलेंगे कुछ टाइम बाद, उसके अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स आपको फ्री मिलने वाले ये भी आज आपको दिखाऊंगा। एंड हाँ, इस तरीके से और भी बहुत से कमाल की अपडेट्स, जानकारी, इंफॉर्मेशन, तुम जो भी कह लो, सब कुछ मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो हम अपना काम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग बस देखते रहिए। सबसे पहले गाइस हम जो अपडेट कवर करने वाले हैं वो एक रिंग इवेंट है बेसिकली, एंड आपको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं 4 रिवॉर्ड्स को यहां पर ऐड कराया गया है। आपको 2 बंडल देखने को मिलेंगे मेल फीमेल का, और साथ में आपको यहां पर एक गाड़ी का स्किन देखने को मिलेगा लैम्बोर्गिनी का, और एक बैकपैक स्किन दिया गया है। तो बाकी आप लोग पहले बंडल वगैरह देख लो कैसा क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाले हैं बंडल्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात भाई यह है कि आपको यहां पर जो बंडल देखने को मिल रहा है ये एक लेजेंडरी बंडल होगा, एंड सिलेक्टेड सीरीज के अंदर इसको ऐड कराया जाएगा। एनिवर्सरी के थीम पे इसको गेम के अंदर लाया जाने वाले है। बंडल के अंदर आपको अलग अलग इफेक्ट एनिमेशन देखने को मिलेंगे, मेडिकेट मारने का और स्प्रिंट यानी कि भागने का। और भाई इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि बंडल ऑटोमेटिक अपने लुक को चेंज करता रहेगा, जब तुम भागते रहोगे बंडल अपना लुक खुद ब खुद चेंज करता रहेगा। और ये कुछ CR7 की तरह भागने वाला कह सकते हो एनिमेशन यहाँ पर दिया गया है, बट अपडेट आने से पहले मतलब जैसे आपको नेक्स्ट OB का अपडेट गेम के अंदर देखने को मिलेगा उसके बाद तो ये इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर ये हट जाएगा। बंडल का 2 कलर आपको मिल जाएगा, भागने का इतना बढ़िया इफेक्ट नहीं रहेगा, फिर इसको हटा लिया जाएगा क्योंकि नेक्स्ट अपडेट तक ही इसको रखा जाएगा। बाकी भाई मेडिकेट मारने वाला जो इफेक्ट है वो हमेशा रहने वाले, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर अगर हम बात करें फीमेल बंडल, ये भी आपको थोड़ा मोड़ा बढ़िया ही देखने को मिलने वाले। जो स्पोर्ट्स कार का स्किन दिया गया मतलब लैम्बोर्गिनी का स्किन, हम लोग यहाँ पर वो भी देख पा रहे हो, ये भी आपको बढ़िया ही देखने को मिलेंगे। मतलब बेहतरीन तरीके से इसके अंदर इफेक्ट वगैरह दिया गया है, चमक रहा है गाड़ी एकदम, काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सिलेक्टेड सीरीज का है तो डायमंड कुछ ज्यादा आपको खर्च करने पड़ने वाले, एंड उसके बाद आपको एक बैकपैक का स्किन देखने को मिलेगा लेवल 3 का ही फिलहाल दिख रहा है, लेवल 1, 2 तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, डायरेक्टली लेवल 3 का दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाले। ये जो रिंग इवेंट है बहुत जल्द आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे एनिवर्सरी स्पेशल, मतलब कह सकते हो 10 जुलाई से पहले आपको ये रिंग इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे हाँ गाइस, अभी तो इवेंट का मेन जो कन्फर्म डेट है वो निकल कर आया नहीं है, लेकिन आपको एक अप्रोक्स डेट हमने बता दिया है कि आपको 10 तारीख से पहले ही देखने को मिल जाएगा जुलाई महीने के। तो आपको इतना अंदाजा रख लो कि आप लोगों को जो है जुलाई महीने के फर्स्ट वीक पर ये इवेंट गेम के अंदर नजर आएगा। अगर कोई भी बंडल हो, गाड़ी का स्किन हो, कुछ भी लेना चाहते हो इस इवेंट के अंदर से, तो डायमंड्स वगैरह जमा कर लीजिए क्योंकि इवेंट काफी जल्द आने वाले हैं, तो आपको डायमंड थोड़ा जल्दी जमा करना पड़ेगा। तो खैर इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अब ये बेसिकली एक एनिमेशन है और एक स्काईविंग का स्किन है, बट गर्नब्रो ने इस बार स्काईविंग को कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके तैयार किया है। तो जैसे कि सिंपली आप लोग यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो मतलब एनिमेशन का मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं स्काईविंग दिखा रहा हूं। और सबसे खास बात यह कि इसके अंदर आप लोग अपने चारों दोस्तों को एक साथ में बिठा कर गेम में लैंडिंग करा सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है इस वाले स्काईविंग स्किन का। वैसे हाँ, उसके साथ आपको यहाँ पर एक पैन का स्किन भी देखने को मिलते हैं, अब ये भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से गर्नब्रो ने जो आइटम्स को दिया है अपने फेडरल इवेंट के अंदर, अकॉर्डिंग टू लीक बताया जा रहा है 4 तारीख को आपको ये इवेंट अपने गेम में नजर आएगा। जी हाँ, जुलाई महीने के 4 तारीख को ये इवेंट आप सभी को अपने गेम में देखने को मिलने वाले, जहां पर आपको न्यू स्काईविंग का स्किन देखने को मिलेगा और एक पैन का स्किन देखने को मिलने वाले। अब यार आ रहा है फेडरल व्हील का इवेंट, मतलब वही पहले वाला, आपको 1100 डायमंड खर्च करने वाले इस वाले एनिमेशन को और स्काईविंग दोनों को बाई करने के लिए। मैं एनिमेशन का भी रिव्यू कराऊंगा, बार बार एनिमेशन कह रहा हूं तो ये मत समझना कि यार सनी भाई गलती से एनिमेशन कह रहा है, नहीं मैं एनिमेशन आपको यहां पर दिखा दूंगा, बट पहले स्काईविंग दिखा दिया हूं, इसको बाई करने पर आपको 1100 डायमंड खर्च होने वाले, इसके बाद आप लोग एनिमेशन का रिव्यू यहां पर देख लो। तो ये जो इवेंट है ये अकॉर्डिंग टू लीक बताया जा रहा है कि आपको 5 तारीख को या फिर 6 तारीख को अपने गेम में देखने को मिलने वाले है। 4 को स्काईविंग आ जाएगा और 5-6 को ये एनिमेशन आ जाएगा, फिर आप लोग दोनों में जो भी आइटम्स को ज्यादा बेहतर समझते हो उसको बाई कर लीजिएगा। अगर दोनों बैक टू बैक आ रहा है तो डायमंड आपको तकरीबन 2000 खर्च करना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मेरे पास एक मस्त प्लान है जो तुमको बताना चाहता हूं। देखो जिनको एनिमेशन चाहिए उनके लिए प्लान नहीं है, आपको एनिमेशन बाई करना होगा, बट हाँ जिनको स्काईविंग चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है फिर ऐसा स्क्वाड है, जब तुम गेम प्ले करते हो उन्हीं के साथ गेम प्ले करते हो, अदर प्लेयर्स के साथ नहीं, अदर प्लेयर के साथ बहुत कम करते हो, लेकिन तुम्हारा एक स्क्वाड बना हुआ है, तुम जब भी गेम प्ले करोगे उसी स्क्वाड के साथ मतलब उन्हीं दोस्तों के साथ गेम प्ले करोगे, तो भाई तुम्हारे लिए काम है, तुम अपने किसी दोस्त को बोलो जो गेम में ज्यादा ड्रॉप वगैरह मारते हैं उसको बोलो कि तू स्काईविंग बाई कर ले। अब जब तुम चारों बैठोगे एक ही स्काईविंग में तो वो बाई करे तुम बाई करो कई फर्क पड़ेगा।
पड़ता है, स्कैविंग तो तुम भी बैठ जाओगे। तो अपने दोस्त को बोलो तो स्कैविंग बाई कर ले भाई, इस बार हम एनिवेशन बाई करने के चला देंगे, तो स्कैविंग तू बाई कर लेना। तो अपने एक दोस्त को कह दो वो बाई कर लेगा, फिर उसके स्कैविंग में बैठ के तुम आराम से लैंडिंग वगैरह मार सकते हो। लेकिन इसके लिए जो बंदे के साथ तुम गेम प्ले करते हो वो बंदा भी होना चाहिए। अगर अदर प्लेयर के साथ करोगे, अगर उसने स्कैविंग बाई नहीं किया होगा तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर खुद का कोई स्क्वाड बना हुआ है पहले से, अपने दोस्त को कह सकते हो कि स्कैविंग तू बाई कर ले, मैं एनिवेशन बाई कर रहा हूं और स्कैविंग में बैठ के चारों लैंडिंग करेंगे एक साथ में। खैर आओ इस अपडेट को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सीएस रैंक सीएन पे मिलने वाले कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स के बारे में, जो कि आप लोग सिंपल यहां पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट सीएन पर आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से सर्व बोर्ड का स्किन दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, आप लोग जिसको क्लेम कर सकते हो। कुछ इफेक्ट्स एनिमेशन कुछ भी इसके अंदर नहीं रहेगा। उसके बाद गाइस प्लैटिनम लीग पे जाने के बदले आपको इस तरीके से थॉमसन का गन स्किन देखने को मिलने वाले है। वैसे इसके अंदर आपको सिंगल आर्मर प्लेटेशन और सिंगल मैगजीन एट्रीब्यूट मिलेंगे, रेंज को माइनस में रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट रिवॉर्ड्स की, बाकी तो आपको यहाँ पर बहुत से रैंक टोकन वगैरह देखने को मिलेंगे, रैंक प्रोटेक्शन कार्ड देखने को मिलेंगे, गोल्ड वेल का वाउचर, गोल्ड कॉइन वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। मैटन गन स्किन मिलेंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन अगर हम बात करें मेन टी शर्ट जो कि हीरोइक का टी शर्ट रहेगा वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट सीएस रैंक का। मतलब थीम भी चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अभी के टाइम पे जो रैंक सीएन हमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलते हैं वो असल में बुइया पास के थीम पे होते हैं। तो जो न्यू बियर रैंक आने वाले हैं वो इस बार के बुइया पास के थीम पे आएगा। मतलब जो जुलाई महीने पे आपको बुइया पास मिलेंगे उसके थीम पे आपको बियर रैंक का नया हीरोइक टी शर्ट देखने को मिलेंगे। ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये असल में अगस्त मंथ का है, तो अगस्त मंथ में जो बुइया पास आने वाले ये उसके थीम पे डिजाइन किया गया हीरोइक टी शर्ट एंड आइटम्स। तो उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर एक प्रैंक का स्किन भी दिखा दे रहा हूँ, ये भी आपको जो है देखने को मिलने वाले अपने नेक्स्ट सीएस रैंक सीएन पर। तो ये कुछ रिवॉर्ड्स को तैयार किया गया है अपने नेक्स्ट सीएस रैंक सीएन में जो देने के लिए। बाकी बताना रिवॉर्ड्स वगैरह कैसा क्या कुछ आपको लगा है। वैसे और एक बात गाइस, आपको बिल्कुल फ्री में ग्लूअल का स्किन भी दिया जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ जो कि सीएस रैंक के चलते आपको देखने को मिलने वाले। आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो, कुछ ऐसा ग्लूअल स्किन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले नेक्स्ट सीएस रैंक पर। हाँ ये परमानेंट नहीं होगा, 30 दिन के लिए होगा। मतलब कुछ मिशन के लिए आपको ये ग्लूअल स्किन फ्री में दिए जाएंगे, उसके बाद आप लोग इसको क्लेम कर सकते हो 30 दिन तक। देन फिर नेक्स्ट सीजन पर आप लोगों को अगेन फिर से ग्लूअल स्किन 30 दिन के लिए फ्री में दे दिया जाएगा। मतलब ये चलता रहेगा। तो हो सकता है कभी बाद में जिक्र करने वाले ग्लूअल स्किन को बिल्कुल परमानेंट गेम में अवेलेबल करा दे। बाकी ये कुछ रिवॉर्ड्स को तैयार किया गया था, बताना कैसा आपको लगा है। फिलहाल इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। दरअसल गाइस ये जो अपडेट है ये फाइनल स्लॉट को लेकर है। तुमको पता होगा जब तुम गेम प्ले करते हो, जब बिल्कुल लास्ट में तुमको 10 एनिमी बचा हुआ देखने को मिलते हैं, घरना लिख देता है फाइनल फाइट। लेकिन जब तुम लास्ट वाले एनिमीज को किल करते हो आपको एक फाइनल स्लॉट देखने को मिलते हैं। अब इस बार इसको पाराफल में दिया गया है। वैसे ये फिलहाल 3 दिन के लिए रखा जा रहा है, जब तक अपने गेम में इवोगन न्यू पाराफल का आ रहा है ये उसी के थीम पे डिजाइन किया गया है फाइनल स्लॉट। पहले मैं तुमको दिखा दूं उसके बाद में इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप लोग सिंपल यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो, जब भी तुम पाराफल से बिल्कुल लास्ट वाले एनिमीज को मारोगे, मतलब गेम में तुम अकेले बचे हो और बंदे अकेले बचाए एनिमीज, मतलब तुम्हारे बीच और उसके बीच फाइट चल रहा है, जब तुम एनिमीज को मार दोगे तुमको कुछ ऐसा फाइनल स्लॉट देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक आसमान से ड्रैगन आ रहा है और बंदे का आत्मा को लेकर चला जाया, कुछ ऐसा कुछ आपको जो है फाइनल स्लॉट देखने को मिलने वाले। ड्रैगन आकर बंदे का आत्मा को लेकर साथ में चला गया, तो ऐसा कुछ फाइनल स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये फ्री के लिए दिया गया है, लेकिन आपको अगर ये फाइनल स्लॉट चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको आपको बाय करना है, तो भाई आपके पास पाराफल का फिलहाल एक भी स्किन होगा, चाहे वो कुछ भी स्किन हो, तुम इस फाइनल स्लॉट का मजे ले सकते हो। बट हाँ, उसके लिए शर्त यह कि तुमको लास्ट वाले एनिमीज को फाइनल स्लॉट लेने के लिए पाराफल से ही किल करना पड़ेगा। पाराफल गन से अगर मारोगे तो तुम लास्ट वाले एनिमीज को ये फाइनल स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। अब भाई ये सब वही बात है कि यार न्यू इवोगन आ रहा है पाराफल का, उसको ताकि आप लोग बाय करो, उसके लिए कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, तो ही आप लोग पाराफल को बाय करने वाले। इसलिए करने वाले फाइनल स्लॉट को डाल दिया है पाराफल के अंदर, कुछ ऐसा कुछ हम तुमको देने वाले, इसलिए फ्री में तुमको दिया गया है ताकि तुमको फ्री में 3 दिन चलाकर मजे ले सको, उसके बाद फिर इसको लेने के लिए आप लोग पाराफल गन स्किन को बाय कर लोगे। खैर अगर तुम पाराफल गन को बाय नहीं भी करते हो तब भी करना पड़ो, एक और तरीका निकाला है मतलब तुमसे डायमंड लेने का, और वो ये है कि तुमको फाइनल स्लॉट के लिए एक इवेंट देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर रिव्यू वगैरह देख पा रहे हो, कुछ ऐसा फाइनल स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए एक इवेंट जुलाई महीने के फर्स्ट वीक पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 3-4 तारीख को आपको ये इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर इस वाले फाइनल स्लॉट को दिया जाएगा। इसको आप लोग डायमंड के द्वारा बाय कर सकते हो, फिर तुम पाराफल से हो या फिर शायद से किसी भी गन से हो तुम इस फाइनल स्लॉट का मजे ले पाओगे। अगर ये फाइनल स्लॉट सिर्फ पाराफल गन में ही काम आएगा फिर बेकार रहेगा, लेकिन अगर ये हम किसी भी गन से मारेंगे तब भी हमको ये फाइनल स्लॉट देखने को मिलेगा, तो फिर इसको डायमंड से बाय करने का असली मजा आएगा। बाकी देखते क्या कुछ होता है, लेकिन ये फाइनल स्लॉट का इवेंट बहुत जल्द आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इसको बाय करना चाहते हो तो इसको बाय कर सकते हो। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और यहाँ पर हम बात करते हैं फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। आपको सिंपल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इवेंट काउंटडाउन लिखा गया है 8 दिन 6 घंटा। यहाँ पर एक फ्री में बंडल दिया गया है, एक गन स्किन दिया गया है एसीटी का, और फ्री में मैजिक क्यूब दिया गया है। मतलब बहुत से फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 20-20 करके, जो कि आपको मिशन कम्प्लीट करने पर मिलने वाले हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर 5 मिशन देखने को मिले हैं, पांचों में 20-20 फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंट्स आपको दिया गया है, मतलब कुल मिलाकर 100 फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको जोड़ के तुम पूरा एक मैजिक क्यूब बना सकते हो। एंड गाइस आपको कुछ ऐसा भी मिशन दिया गया है, मतलब जहाँ पर तुमको बस 60 मिनट गेम प्ले करना है, मतलब एक घंटा गेम प्ले करने पर पूरा एक मैजिक क्यूब फ्री में दे दिया गया है। कुछ सर्वर ऐसा भी है जहाँ पर एनिवर्सरी के थीम पे बस 60 मिनट गेम प्ले करने पर पूरा मैजिक क्यूब फ्री में दिया जा रहा है, कहीं पर मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट्स दिया जा रहा है मिशन कंप्लीट करने पर, जिसको जोड़ के मैजिक क्यूब बनाना पड़ रहा है। तो भाई देखो दो इवेंट निकल कर आया हुआ है, एक आपको पूरा का पूरा मैजिक क्यूब फ्री में मिल सकता है और दूसरा तुमको मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिल सकता है जिसको जोड़ के आपको मैजिक क्यूब बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जुलाई महीने पे आपको पूरा का पूरा मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एनिवर्सरी स्पेशल आपको मैजिक क्यूब मिलेगा ही मिलेगा, ये बात 100% कंफर्म है। अब गरना वाले इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, एक मैजिक क्यूब तुमको पूरा दे दिया और दूसरा मैजिक क्यूब आपको फ्रेगमेंट्स के जरिए मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एक मैजिक क्यूब बिल्कुल 100% कंफर्म बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब उसके लिए गरना कुछ मिशन भी दे सकते, मतलब 60 मिनट गेम प्ले करने के जगह पर ऐसा कह दिया 10 दोस्तों के साथ गेम प्ले करो, फिर ऐसा कह दिया इतना सारे किल मारो, तो इसके चलते आप लोगों को बिल्कुल फ्री मैजिक क्यूब देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ मिशन आपको जो है दे सकते हैं। तो खैर ये हो गया फ्री मैजिक क्यूब के बारे में अपडेट, जो कि आपको जुलाई महीने पे देखने को मिल जाएंगे, यही आने वाले 7 से 8 तारीख तक आपको फ्री मैजिक क्यूब जो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो डेट पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अप्रोक्स ये 7-8 तारीख तक जो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और लेट हो सकता है, ठीक है। तो खैर इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले कुछ कमेंट्स के रिप्ले के बारे में। तो गाइस देखते हैं फर्स्ट कमेंट कि सनी भाई ये बताओ M1007 कब आएगा। तो भैया नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर आपको इवो M1007 देखने को मिलने वाले है, वो बस परसों के दिन आपको देखने को मिल जाएगा, तो बाय कर लीजिएगा। खैर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो भाई नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर ये लिखा गया है, सनी भाई ये बताओ यूनिवर्सल जो टोकन है वो कब आने वाले है। यूनिवर्सल टोकन भैया अब यार इसका कोई खास तो इवेंट डिजाइन नहीं किया गया है फिलहाल, और ना ही किसी इवेंट को पर लीक्स मिला है कि यूनिवर्सल टोकन आपको इस इवेंट के थ्रू देखने को मिलेगा। मेरे पास अगर कुछ लीक्स आएगा तो मैं दे दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या है। खैर गाइस नेक्स्ट कमेंट भाई ने ये कहा है कि सनी भाई फर्स्ट कमेंट है लव यू सनी भाई जल्दी ये बताओ तंजीरो वाला जो बंडल है वो कब आने वाले है। ये शायद वो 2D वाला बंडल है जो फ्री फायर में कुछ टाइम पहले आया था तंजीरो बंडल। तो देखो ऐसा है कि फिलहाल ये बंडल आपको गेम के अंदर बैक नहीं मिलने वाले, ना तो लीक्स मिला है और ना ही इसके बारे में कुछ अपडेट मिले हैं, तो फिलहाल ये बंडल आपको नहीं मिलेंगे। पेश करते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या है। ऐसा है कि सनी भाई 15 दिन से कमेंट कर रहा हूँ, ये बताओ कि स्टोर में 50% ऑफ आएगा तो क्या वो इवो गन के टोकन पर भी देखने को मिलेंगे। ना भैया देखो स्टोर में आइटम्स पर तुमको डिस्काउंट मिलेंगे, इवो गन के टोकन में अगर डिस्काउंट करना वाले को देना होगा या तो आपको इवो बोनांजा इवेंट गेम के अंदर देंगे जहां पर से तुम इवो गन के टोकन को डिस्काउंट में बाई कर सकते हो, या फिर आपको स्टोर के अंदर खास करके इवो गन के टोकन में डिस्काउंट दिया जाएगा बिल्कुल अलग करके, तो ऐसा कुछ होने वाले है। तो भैया ये कुछ था कमेंट्स के रिप्ले एंड कुछ जो भी आपको अपडेट देना था, एंड इसी के साथ मेरा वीडियो आज कहीं तक था। बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।